हेलो एवरीवन, मैं हूँ निवेदिता वाघ, जेई सीएनडब्ल्यू एनसीसी वाड़ी बंदर। और लेक्चर की इन सीरीज में अब हम देख रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ डब्ल्यूएसए, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में माइक्रो प्रोसेसर देखा फेवली के सिस्टम का, और अब हम देखने वाले हैं फेवली की ही एएफ जी2 सिस्टम का माइक्रो प्रोसेसर। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये माइक्रो प्रोसेसर है फेवली की एएफ जी2 सिस्टम का। तो अब इसमें लगे हुए पार्ट्स हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो है हमारा पावर सप्लाई G2 प्लस VD बोर्ड। तो अगर इस बोर्ड की बात करूँ तो इस पे आपको ये तीन LEDs दिख रहे होंगे। ये इंडिकेट कर रहे हैं, फर्स्ट वाला LED है 5 वोल्ट DC का, सेकंड वाला है 18 वोल्ट DC का, थर्ड वाला है 24 वोल्ट DC का। इस कार्ड का काम सेम है जो पावर कार्ड का होता है जनरली। ये हमारे डंप वॉल को 24 वोल्ट DC सप्लाई देता है। सिमिलरली हमारे माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के काम के लिए ये हमें टोटल 5 वोल्ट DC सप्लाई देता है, और स्पीड सेंसर के लिए ये 15 वोल्ट DC सप्लाई देता है। तो ये हो गया हमारा पावर कार्ड। हमारे नेक्स्ट दो कार्ड है WBI1 एंड WBI2। ये दोनों कार्ड हमारे सिस्टम में स्पीड सेंसर और डंप वॉल के लिए दिए जाते हैं। मतलब एक बोकी के दो स्पीड सेंसर और दो डंप वॉल के लिए दिया गया है कार्ड WBI1, और वही दूसरी बोगी के दो स्पीड सेंसर और दो डंप वॉल के लिए दिया गया है WBI2। इन कार्ड्स का काम होता है स्पीड सेंसर से आने वाला सिग्नल हमारे CPU कार्ड को देना, और CPU कार्ड से आने वाली कमांड को डंप वॉल को देना। देन हमारा नेक्स्ट कार्ड है DO कार्ड, दैट इज डिजिटल आउटपुट कार्ड। इस कार्ड का फंक्शन होता है जनरली जो ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग या फिर कोई भी स्पीड रिलेटेड ऑपरेशन है उसमें ये काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तेजस एक्सप्रेस है या फिर किसी भी गाड़ी में जिसमें ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग या ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग होता है आफ्टर 5 किलोमीटर्स या किसी स्पेसिफिक टाइम पे, तो उसके लिए ये कार्ड दिया जाता है। मतलब ये कार्ड इंडिकेट करेगा कि जैसे ही गाड़ी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है ये डोर क्लोजिंग के लिए कमांड देगा। देन हमारा नेक्स्ट कार्ड है AO कार्ड। अब AO कार्ड जो है एनालॉग आउटपुट, इसका करंटली हमारे सिस्टम में कोई फंक्शन नहीं है। ये जनरली ये कार्ड यूज़ होता है अगर हमें स्पीड दिखाना रहा किसी भी अनदर इक्विपमेंट पे, हमें अगर कोच का स्पीड देखना रहा तो उसके लिए AO कार्ड दिया जाता है। तो जनरली ये हमारे किसी यूज़ का नहीं है। देन हमारा नेक्स्ट कार्ड आता है CPU G2F कार्ड। अब ये जो कार्ड है इसमें मैन मशीन इंटरफेस है, तो ये कार्ड इससे हमें एरर कोड पता चलेगा या फिर अगर हम कुछ कमांड देना चाह रहे हैं हमारे सिस्टम को तो वो भी हम इसी कार्ड के थ्रू देख सकते हैं। तो लेकिन अब आप देख सकते हो कि पुरानी वाली सिस्टम्स में 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार बटन्स थे जिनमें प्रॉपरली नाम लिखा हुआ था, तो इस कार्ड में ये फंक्शन कैसे होगा? तो इसके लिए यहाँ पे आपको इसको जॉयस्टिक बोल सकते हैं दो दिए गए हैं, दैट इज ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन। तो ये जो जॉयस्टिक्स हैं इनकी तरफ आप देख सकते हो साइड में, यहाँ पे P1, P2, P3, P4 ये दिए गए हैं। ये हर एक कोड का कुछ मीनिंग है। तो इस सिस्टम में जब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके एरर कोड चेक करूँ या फिर डंप वॉल को टेस्ट करूँ, तो उसको मैं ये जॉयस्टिक की हेल्प से और P1, P2, P3, P4 की हेल्प से चेक कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला है नॉक, हम मूव करेंगे P3 की तरफ। P3 होता है मेन्यू के लिए, दैट मीन्स R102, ये आ गया सॉफ्टवेयर रिलीज। P3 के तीन फंक्शन है, हमें अगर एंटर करना है मेन्यू में तो दूसरा वाला सॉफ्टवेयर रिलीज, एंड थर्ड अगर हमें एग्जिट करना है मेन्यू से तो उसके लिए यूज़ होता है P3। जैसे अभी R102 आया, अगर मैं इसे वापस P3 की तरफ मूव करूँगी तो अगेन 99, दैट मीन्स कि हम एग्जिट हो गए मेन्यू से। तो सबसे पहले P3 की मदद से हम मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद सेकेंडली आता है P1 एंड P2, ये यूज़ होते हैं अप एंड डाउन करने के लिए। जैसे मैं P2 की तरफ अगर मूव करूँगी तो ये FERR मतलब ऑप्शन आया शो एरर, जो हमारा पहला वाला बटन था डिस्प्ले एरर कोड, उसकी जगह पे यहाँ पे ये आता है FERR शो एरर। इसके बाद अगर मैं अगेन P2 की तरफ मूव करूँ तो आया RERR, दैट मीन्स टू इरेज एरर, जो हमारा क्लियर वाला बटन था वो है ये। उसके बाद अगर मैं इसको वापस P2 की तरफ मूव करूँ आया टेस्ट, मतलब ये डंप वॉल और स्पीड सेंसर को टेस्ट करेगा। सिमिलरली अगर मुझे पहले वाले ऑप्शन के लिए जाना है तो मैं P1 की तरफ मूव करूँगी, अगेन जो पहले वाला था RERR आ गया, वापस मैं
P1 की तरफ मूव करूंगी तो इससे पहले वाला ऑप्शन आएगा, दैट मीन्स P3 इज फॉर मेन्यू. P1 और P2 हमें इसके लिए है ताकि हम मेन्यू में आगे जा सकें. ओके, तो ये मैं P1 की तरफ गई. अगर फॉर एग्जांपल मुझे एरर चेक करना है SERR, लेकिन अब इस सिस्टम में क्या है कि हमें ये तो पता चल रहा है P1 और P2 की मदद से कि हम आगे पीछे कैसे जाएं, लेकिन इस ऑपरेशन को मैं सिलेक्ट कैसे करूंगे. इसीलिए इस ऑपरेशन को सिलेक्ट करने के लिए दिया गया है P4. मतलब जब मैं इसे P4 की तरफ मूव करूंगी तब हमें एरर दिखाएगा. अब इस सिस्टम में करंटली कोई एरर है नहीं, सिस्टम 99 है, इसलिए यहाँ पे नो एरर दिखा रहा है. तो अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं. फर्स्ट इज R102, दैट इज सॉफ्टवेयर रिलीज. सेकंड ऑप्शन है SERR, जैसा हमने डिस्कस किया ये ऑप्शन है, दैट मीन्स कि शो एरर. देन अनदर वन इज RERR, मतलब अगर हमें एरर को इरेज करना है तो इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है टेस्ट, मतलब हमें स्पीड सेंसर और डंपफॉल को टेस्ट करना रहा तो उसके लिए ये ऑप्शन है. देन किलोमीटर, दैट मीन्स कि किलोमीटर रीडिंग अगर हमें देखनी है कि कुछ एग्जैक्टली कितने किलोमीटर चला तो इसके लिए KM आता है. एंड अगेन द नेक्स्ट ऑप्शन इज SERR, मतलब ये अगेन रिपीट होगा साइकिल में. तो अभी अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक करना है इस सिस्टम के डंपफॉल को या फिर स्पीड सेंसर्स को, तो वो मैं कैसे करूँगी. तो सबसे पहले आई विल गो टू मेन्यू P3 की तरफ जाके, देन P1 एंड P2 की हेल्प से अप डाउन करके मैं यहाँ पे टेस्ट ऑप्शन लाऊंगी. जब ये टेस्ट ऑप्शन आ जाएगा तब इसे मैं सिलेक्ट करूँगी जॉयस्टिक को P4 की तरफ मूव करके. तो अब ये सिस्टम धीरे धीरे हर एक स्पीड सेंसर एंड एक एक डंपफॉल को टेस्ट करेगा. तो इस प्रकार ये था हमारा फेवरी का AF-G2 सिस्टम जो कि हमने देखा. सो नाउ अब हम आगे देखेंगे हमारे बाकी के जो बचे हुए माइक्रो प्रोसेसर. सो थैंक यू.